हेलो एवरीवन वेलकम टू अभी पीडिया बाय अभिमन्यु अभिमन्यू आई एस एंड इन द क्लास ऑफ यूपीएससी पी एस सी सेट टूडे वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम और आज की क्लास के अंदर मैं वो वाले क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो डायरेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड हैं और एग्जाम में देखने को मिलते हैं जस्ट ये चेक कर रहे हैं कि हमें कुछ नंबर्स की नॉलेज है या नहीं है जस्ट उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन हैं इजी क्वेश्चन है सो so सभी ने मेरे साथ में एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना है और उस टाइप के क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में आ रहे हैं अगर आप सी सेट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते हो तो आप देखोगे कि क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट सा है है हाँ ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसी तरह के क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ जैसे कि नंबर सिस्टम में से एग्जाम में आते हैं ओके दैट मीन्स कि यू शुड नो द की प्राइम नंबर्स क्या है इवन नंबर क्या है ओल्ड नंबर क्या है इंटीजर्स क्या है और इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ओके सो so, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे बेस्ड ऑन ओल्ड इंटीजर एंड इवन इंटीजर्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या है इंटीजर दैट मीन्स कि जो भी हमारे पास में नंबर है नेगेटिव नंबर जीरो एंड पॉजिटिव नंबर ऑल दीज आर इंटीजर्स दैट मीन्स कि जो फ्रैक्शन में वैल्यू है उनको छोड़ के बाकी सारे क्या हैं इंटीजर हैं ओके तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कह रहे के इज एन ओड इंटीजर के क्या है एक ओड इंटीजर है ओड इंटीजर है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इवन इवन इंटीजर तो कह रहा है कि बताओ इनमें से इवन कौन सा होगा ओके okay? जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उस केस के अंदर क्या करना है आपने जो कंडीशन गिवन है उस पर से बेस्ड एक या दो नंबर आप पिक कर लीजिए और उनको पुट करके देखिए कि क्या मेरे कंडीशन फॉलो हो रही है तो अब जैसे उसने कहा ओड 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 नंबर कौन से हैं आपके पास वन थ्री फाइव सेवन ऑल दीज आर ओड नंबर्स ऑल दीज आर ओड नंबर्स एंड इफ आई टेक द फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इफ आई पुट वन वन इन दैट केस थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव ट कि यह हमारा हो गया क्लियर नाउ कम ऑन द सेकेंड ऑप्शन सेकेंड क्या टू के प्लस टू इन टू कोई भी आप ओड नंबर उठाइए कोई भी हम अगर ओड नंबर ले रहे हैं जब आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो टू के साथ में दैट मींस यू विल गेट एन इवन नंबर ओके बट वेन यू विल एड वन इन एनी इवन नंबर इन दैट केस इट विल बिकम ओड इट विल बिकम और दैट मींस की दिस इज अगेन रोंग वट वी वांट इवन इंटीजर ओके सो नेक्स्ट देखिए दिस इज 12 के बाई 8, 12 के बाई 8 अगर मैं के की जगह पुट करती हूं क्या वन इन दैट केस यस क्या आएगा आपके पास में फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है दैट मींस दिस इज नॉट इंटीजर है ना इट डिपेंड्स कि हाँ ये इंटीजर में भी हो सकता है आपके पास में वैल्यू क्या हो सकती है फ्रैक्शन में भी हो सकती है ओके okay? सो so ये भी आपके पास क्या हो गया रॉन्ग नाउ नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्या आ रहा है सिक्स के के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिवाइडेड बाय थ्री वी नो दैट कि जब इस थ्री को मैं इसके साथ में कैंसिल आउट करती हूं तो यहां पे जो वैल्यू है वो क्या आएगी आपके पास में 2 आएगी दैट मींस आई विल गेट 2k टू के दैट k की के वैल्यू कुछ मर्जी हो इट मे बी इंटीजर तो इस तरह के क्वेश्चंस आते के अंदर, तो आपने ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पे अब मैं कोई फॉर्मूला लगा रही हूं आपके लिए कुछ नहीं है जस्ट आपको चेक करना है और आपकी अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो इन सिंगल ग्लान्स आप थोड़ा सा देख लेते कि हाँ जी यहां ये क्या आ रहा है टू के बन रहा है सिंगल सिंगल को आपको सोल्व करने में टाइम नहीं लगेगा डन सो आई होप सभी को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन so, की तरफ मूव करें थिंक इवन इंटीजर सभी को क्लियर है आते हैं क्या कह रहा है फोर सिक्सटी टू डिवाइडेड बाई एन ओके नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बी द वैल्यू ऑफ एन कह रहा है कि एन की वैल्यू हो सकती है दैट मीन्स कि कोई भी हो सकती है दैट मीन्स वी हैव मोर देन वन वैल्यू फॉर एन ओके सो हमें क्या चाहिए वी जस्ट वांट ए नंबर इन प्लेस ऑफ एन विच इज विच विल डिवाइड 462 ओके okay? पूरा पूरा डिवाइड करें 462 सिक्सटी टू एंड देयर शुड बी नो रिमाइंडर तो ऐसा जो नंबर है वो क्या होगा आपके पास में एन की वैल्यू होगी तो अब यहां पे देखो कि डिविजिबिलिटी रूल जस्ट चेक करो पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है दिस इज फोर लास्ट टू डिजिट आर नॉट डिविजिबल बाई फोर दैट मीन्स की इससे क्या होगा मेरे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी आई विल नॉट गेट द इंटीजर वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पे जैसे उसने इंटीजर कहा है दैट मीन्स की इसका मीनिंग क्या है नेक्स्ट इज फाइव यस फाइव से डिविजिबल है नहीं है देन डिविजिबल है कैसे चेक करोगे जस्ट एट द डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाई नाइन सो एंड चेक फॉर ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू से देखो ट्वेंटी टू टू जन दैट मींस की दिस इज डिविजिबल सो योर आंसर विल बी ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू विल बी द करेक्ट आंसर ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे क्या है हाउ मेनी हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन हंड्रेड हैव ए रिमाइंडर टू व्हेन डिवाइडेड बाय थर्टीन कह रहा है कि जब हम उसको थर्टीन से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए टू शुड बी द रिमाइंडर तो कितने ऐसे नंबर्स आएंगे कितने ऐसे नंबर्स बनेंगे सभी ने खुद से भी ट्राई करना है सभी ने एक बार सभी ट्राई करो सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट ये वाली टाइप के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर द वैल्यूज में भी चेंज किया यहाँ पे टू की जगह पे आपको कुछ और मिल रहा है एग्जाम के अंदर थर्टीन की प्लेस पे कुछ और मिल रहा है एग्जाम में ओके तो अगर हम थर्टीन के मल्टीपल देखते हैं तो आपके पास में कितने मल्टीपल मिलते हैं थर्टीन के अप टू हंड्रेड यस थर्टीन ओके थर्टीन सेवन या नाइनटी वन जस्ट आप क्या करो उसको डिवाइड करके देख लिया करो हंड्रेड को अगर मैं थर्टीन से डिवाइड कर रही हूं तो क्या आ रहा है मेरे पास सेवन आ रहा है सेवन आ रहा है ठीक है ना उसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ती हूं तो मेरे पास में हंड्रेड से अबव की वैल्यू आएगी तो यहां पे कितने बन रहे हैं अपने पास में ये सेवन नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल है किससे

ओके okay? तो अब यहाँ पे आप देखो जब आप इसको डिवाइड करो थर्टीन से देन क्या रिमाइंडर आ रहा है आपके पास टू इज द रिमाइंडर सो बताओ आंसर क्या आएगा थोड़ा सा लॉजिकल है जल्दी से बताएंगे सभी यस वट विल बी योर आंसर आंसर विल बी सेवन और एट थोड़ा सा सोचेंगे सभी सेवन आंसर आएगा एट देर आर सेवन नंबर्स अब यहां पे उसने ये नहीं कहा कि टू डिजिट का नंबर मुझे चाहिए अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट देखो कि अगर मैं यहां पे एक नंबर ले लेती हूँ टू वेन यू डिवाइड टू बाई थर्टीन देन वट विल बी योर रिमाइंडर इफ द denominator, इफ द डिनोमिनेटर इज मोर देन द न्यूमरेटर इन दैट केस न्यूमरेटर विल बी द रिमाइंडर जो न्यूमरेटर है वही रिमाइंडर रहेगा आपका दैट मीन्स यू विल ऑल्सो टेक टू सो टोटल देर आर एट नंबर आंसर विल बी ऑप्शन सी एट ऑप्शन सी एट बी द करेक्ट आंसर डन कोई डाउट किसी को माइनर सा दिस साफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूजन के लिए आता है रिपीटेड इस तरह के क्वेश्चन तो यहाँ पे भी जब आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है यू शुड नो कि यहाँ पे आपके पास में जो नंबर है उसने ये तो नहीं कहा कि यहाँ पे हाउ मैनी टू डिजिट टू डिजिट पॉजिटिव इंटीजर लेस देन हंड्रेड इन दैट केस योर आंसर विल बी सेवन अदरवाइज आंसर विल बी एट यू विल आल्सो कंसीडर टू ओके नेक्स्ट देखिएगा यस नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द डिविजिबिलिटी रूल डिविजिबिलिटी रूल सभी को अच्छे से करने बिकॉज इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सी सेट के अंदर ओके क्या है वाट इज द लिस्ट वैल्यू फॉर के सो दैट वन टू थ्री के फाइव सेवन एट इज डिविजिबल बाई इलेवन जी के की जगह पे क्या आएगा इज डिविजिबल बाय इलेवन अब इलेवन का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है यस इलेवन डिविजिबिलिटी रूल इफ वी इफ वी टेक द वैल्यूज और अल्टरनेटिव प्लेसेस एंड अप देन चेक द डिफरेंस इफ द डिफरेंस इज जीरो Then the number is divisible by 11 If the difference is 11 or you can say multiple of 11 In that case the number is divisible by 11 Okay So let us check Alternative places I mean have 1, 3, then 5 and then 8 Okay Sabi ka sum karenge kitna 1, 3, 4, 4, 5, 9, 9 plus 8, 17 Okay डिफरेंस की मैंने बात करी अब दूसरे अल्टरनेटिव प्लेसेस की वैल्यूज को हम पिक करेंगे यहां से देखें क्या दिस इज टू के सेवन यही बने आपके पास में तो वैल्यू क्या कर रही है टू के सेवन दैट मीन्स वट नाइन प्लस के नाइन प्लस के नाइन प्लस के एंड दिस शुड बी इक्वल टू वट जीरो या फिर इलेवन का मल्टीपल होना चाहिए अब यहाँ पे देखो मैं 17 से क्या माइनस करूँ कि जीरो बचे 17 से 17 माइनस करना दैट मींस दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू व्हाट 17 दैट मींस कि 9 k की वैल्यू किसके इक्वल है 17 के ओके सो k की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 8 सो so यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 8 डन इतना सोचने की जरूरत नहीं है सिंपल सा देखो ये तो हो गया कि हाँ मैंने आपको डिटेल में समझाया एक बार थोड़ा सा सोचिए मैं कुछ नहीं लिख रही सिंपल ये देखो कि भाई इधर जो ये नंबर्स हैं इनका सम कितना बन रहा है सेवनटीन दैट मीन्स दूसरों का सम भी सेवनटीन ही करना है मुझे जो दूसरी टर्म आ रही है मेरे पास में अल्टरनेटिव प्लेस की वैल्यूज की तो उनको भी मैंने सेवनटीन करना है तो कितना आ गया टू टू प्लस यस टू टू प्लस के तो सेवन तो यहाँ पे आ ही गया आपके पास में 7 तो यहाँ पे आ गया, कि टू और के की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे पास में हाँ जी टेन होनी चाहिए तो ये टू हो गया यहाँ पे क्या आना चाहिए, चाहिए? तो कमेंट हाँ तो सेक्शन अगर वीडियो में कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में हाँ जी अपने फ्रेंड्स के साथ में सभी ने शेयर करना है मैक्सिमम शेयरिंग होनी चाहिए ओके सो so, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाई कि अभी पी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहा है सी सेट का कंप्लीट कोर्स जिन स्टूडेंट्स को सी सेट के कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है दे कैन गो फॉर दिस कोर्स थ्री डेज फ्री ट्रायल इज़ अवेलेबल जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन जिस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो थ्री डेज का थ्री ट्रायल है फ्री ट्रायल है ओके यू विल चेक लाइव क्लासेस इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करें इफ़ यू हैव एनी डाउट लाइव क्लास है यू कैन डिस्कस योर डाउट ओके दूसरा क्या है कि इसके अंदर हर एक लेक्चर के साथ में एक माइक्रो टेस्ट लगा हुआ है सो दैट कि आफ्टर टेस्ट यू कैन चेक कि कितना आप लोगों को समझ आया है ओके सो सभी ने एक बार चेक जरूर करना है एंड वन मोर थिंग सी सेट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पेपर फॉर यू बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जस्ट इग्नोर सी सेट की बाद में कर लेंगे बट बाद कभी भी नहीं आता और लास्ट में अपने पास टाइम नहीं रह जाता मैं कह रही हूँ डेली वन आवर तो आपने सी सेट पर डिवोट करना ही करना है सो इट इज़ द करेक्ट टाइम कि आपकी जी एस के साथ साथ में आप सी सेट के लिए भी प्रिपेयर करें ओके सो सभी ने चेक कर रहा है डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है अगर कोई भी क्यूरी है आपकी इन दैट केस देयर इज ए फोन नंबर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर रिगार्डिंग एनी क्यूरी रिगार्डिंग द कोर्स ओके और जो भी आपकी सी सेट से रिगार्डिंग क्यूरी है उसके लिए आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हो ओके सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन करें नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखे क्या है यस अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देय क्या है क्वेश्चन फाइंड द यूनिट नंबर ऑफ 2014 थाउजेंड फोर्टीन रेस टू पावर टू यस अब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है वट विल बी द रिमाइंडर यस क्या हो सकता है क्वेश्चन वट विल बी द रिमाइंडर वेन वी डिवाइड टू थाउजेंड फोर्टीन रेज टू पावर टू थाउजेंड फोर्टीन बाई टेन इन बोथ केसेस क्या करना है आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है सो यू शुड नो कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं नाउ इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे आपके पास नंबर क्या है यू जस्ट चेक फॉर द यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास दैट इज फोर यूनिट डिजिट क्या है आपके पास फोर फोर रेज टू पावर टू जीरो वन फोर जब भी हम बात करते हैं यूनिट डिजिट की उस केस में आप चेक करो कि जो मेरे पास यहाँ पे यूनिट डिजिट है ठीक है उसके अंदर रिपीटेशन कितने स्टेप्स के बाद हो रही है पावर्स में सो so, अगर आई मैं यहाँ पे देखती हूँ फोर रेज टू पावर वन दिस इज़ फोर फोर रेज टू पावर टू दैट मीन्स सिक्सटीन दैट मीन्स यूनिट डिजिट इज सिक्स फोर रेज टू पावर थ्री सिक्सटी फोर यूनिट डिजिट इज़ फोर दैट मींस कि साइक्लिसिटी कितने टाइम के बाद है टू के बाद और हम यहां पे सीधा कह सकते हैं कि इफ पावर इज ओड देन यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा मुझे यूनिट प्लेस पे फोर इफ पावर इज इवन इन दैट केस यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा आपको सिक्स अब चेक करो क्या है आपके पास टू रेज टू पावर टू थाउजेंड फोर्टीन पावर इज इवन दैट मीन्स क्या मिलेगा आपको सो विल बी द करेक्ट आंसर ओके अब अगर यहीं पे मेरे पास क्वेश्चन होता यस देयर नंबर, है ना जस्ट चेक फॉर द पावर यूनिट इज इट इज एंड पावर इज ओल्ड इफ द पावर इज ओल्ड इन दैट केस यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा फोर अगर पावर क्या है इवन इन दैट केस सिक्स जस्ट चेक फॉर द पावर इट इज इन और डन यूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास क्या है क्वेश्चन हां जी देखिए वेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई फोर्टी फोर द रिमेंडर इज ट्वेंटी सेवन क्या कह रहा है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है आपके पास ट्वेंटी सेवन आ रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय इलेवन यस अगर आपको कंसेप्ट पता है तो जितनी देर में मैंने स्टेटमेंट को रीड किया इतनी देर में आपका आंसर आ गया होगा यस yes. अगर आपको कंसेप्ट पता है लास्ट क्वेश्चन में भी यही था अगर कंसेप्ट पता है तो जितनी देर में हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं यू विल गेट द आंसर इन योर माइंड यस

क्वेश्चन वट विल बी द रिमेंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई इलेवन इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई इलेवन सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द नंबर ठीक है अब नंबर यहां पर क्या होगा हमें पता है कि नंबर क्या होता है यस डिवाइजर इन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर ओके दैट मीन्स योर नंबर विल बी फोर्टी फोर क्यू प्लस

क्या बचेगा रिमाइंडर फाइव दैट मीन्स योर आंसर विल बी फाइव अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम यूज किया है चेक करी है तो उसके अंदर हमें पता है कि हम इस तरह से चेक कर सकते हैं कि अगर आपके पास में जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर इज डिवाइडेड इनटू प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन दैट केस यू कैन टेक द सिंगल सिंगल पार्ट रिमाइंडर ओके टू गेट द कंप्लीट रिमाइंडर तो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास जीरो और इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है आपके पास फाइव तो क्या आएगा रिमाइंडर फाइव विल बी द करेक्ट आंसर ओके okay? अब दूसरा जो मैं कह रही थी कि अगर आपको कन्सेप्ट पता है तो उस केस के अंदर हमेशा जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ये देखो कि क्या ये इससे डिविजिबल है यस दिस इज डिविजिबल बाई दिस देन जस्ट चेक फॉर दिस वन ट्वेंटी सेवन को इलेवन से डिवाइड करिए जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी योर आंसर ओके सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन यस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है कह रहा वर्ट विल बी द डिफरेंस यस वर्ट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ फर्स्ट ट्वेंटी फाइव इवन नंबर्स एंड सम समर्स्ट ट्वेंटी फाइव ओर्ड नंबर्स यस अब सम यहां पे आपके पास में वैल्यू कुछ भी हो सकती है ट्वेंटी फाइव की जगह पे तो हमेशा ध्यान रखो वैसे तो यहाँ पे एक सिंगल सा पॉइंट है कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो जितने है यहाँ पे नंबर गिवन है दैट विल बी योर आंसर एन विल बी द करेक्ट आंसर ओके इफ हेयर इट इज 25 फाइव दैट मीन्स आंसर इज 25 बट अब आते हैं हम कंसेप्ट की तरफ तो अगर हम सम की बात करते हैं तो सम ऑफ सम ऑफ एन ईवन नंबर नंबर का सम क्या होता है आपके पास एन इंटू एन प्लस वन अब यहां पे मेरे पास में एन की वैल्यू क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी सिक्स डन अब हम आते हैं दूसरे पे सम ऑफ मैं यहां पे एन और जो नंबर गिवन है आपके पास ट्वेंटी फाइव दोनों से इसलिए करवा रही हूं क्योंकि एग्जाम के अंदर वैल्यू कुछ भी गिवन हो सकती है आपके पास में है ना सो यू शुड नो कि यहाँ पे वैल्यू क्या है उसके अकॉर्डिंग आप उसको आंसर कर सको सो so एक तरह से यहाँ पे आपकी थ्योरम सॉल्व हो रही है और यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है एन ओड नंबर यस ओड नंबर के लिए क्या होता है आपके पास में एन स्क्र दैट मीन्स एन इंटू एन और यू कैन से दिस इज ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव नाउ देयर इज़ नो नीड टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स यस मल्टीप्लाई नहीं करना क्या करना है आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो डिफरेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे डिफरेंस हाँ जी अगर मैं इसकी फॉर्म में करती हूँ तो मेरे पास में क्या आ रहा है ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी दैट मीन्स व ट्वेंटी फाइव मेरे पास में बाहर आ गया ट्वेंटी सिक्स माइनस ट्वेंटी वाह ट्वेंटी फाइव इंटू वन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सो आंसर क्या आ गया आपके पास ट्वेंटी फाइव बट लिमिटेशन ये नहीं है कि जस्ट ट्वेंटी फाइव का आएगा एग्जाम में कुछ भी मिल सकता है सो इफ इन प्लेस ऑफ ट्वेंटी फाइव देर इज एन एन इज गिवन इन दैट केस वो एन प्लस वन माइनस एन इंटू एन यही है एन को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास एन प्लस वन माइनस एन दिस विल कैंसिल आउट दैट मीन्स एन सो इफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इज इन योर एग्जाम इन दैट केस वट विल बी द डिफरेंस डिफरेंस विल बी इक्वल टू एन यस इफ इट इज ट्वेंटी फाइव देन योर आंसर विल बी ट्वेंटी इफ इट इज थर्टी देन योर आंसर विल बी थर्टी इफ इट इज सेवेंटी फाइव देन योर आंसर विल बी सेवन कोई भी वैल्यू हो सकती है ओके सो आई होप सभी को क्लियर है ये वाला पॉइंट ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है फाइंड द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर विच डिवाइडेड बाई फाइव गिव्स ए रिमाइंडर फोर रिमाइंडर क्या बच रहा है फोर दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो यस फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द फोर डिजिट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई फाइव गिव्स नो रिमाइंडर दैट मीन्स डिविजिबल बाई फाइव सो अगर हम बात करते स्मॉलेस्ट सो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर कौन सा है

वो आ गया फाइव देन आपका डायरेक्टली आंसर आ गया बट इट डिपेंड्स यहाँ पे फाइव की जगह पे कुछ और भी हो सकता है और भी हो सकता है सो so, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चन हो गया आपका इसमें तो कोई डाउट नहीं है अब थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ यहाँ पे देखें कि अब आपके पास में क्वेश्चन क्या है इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई कोई भी आप एक नंबर ले लीजिए लेटर से सेवन एंड इट गिवज ए रिमाइंडर ऑफ फोर अब क्या करोगे यस yes, क्या करना है हमें पता है कि फोर डिजिट का नंबर है ये देन यू विवाइेड बाई सेवन जस्ट चेक कि क्या मेरे पास रिमाइंडर yes, बच रहा है यस क्या रिमाइंडर बच रहा है आपके पास सिक्स इज द रिमाइंडर सिक्स इज द रिमाइंडर नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि वो फोर डिजिट का नंबर कौन सा है फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई सेवन तो कैसे फाइंड आउट करेंगे यस yes. क्या इसके अंदर हम ऐड करें कि ये नंबर डिविजिबल बाई हो जाए सेवन तो यहाँ पे क्या ऐड करोगे सेवन माइनस सिक्स वन दैट मीन्स द नंबर स्मोलेस्ट फोर डिजिट नंबर यस फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय सेवन यस इज द नंबर दैट इज वन थाउजेंट वन वन थाउजेंट वन एंड अब उसने क्या कहा गि ए रिमाइंडर ऑफ फोर यस रिमाइंडर क्या चाहिए मुझे फोर तो उसके इसमें क्या करेंगे इसके अंदर फोर को और एड कर दो सो द वैल्यू विल बी वन जीरो जीरो डाउट इसमें हाँ जी ओके okay, तो अब देखिए क्वेश्चंस एग्जाम में सिंपल आते बट यू शुड नो हमें पता है तो बिल्कुल सिंपल ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इतना कुछ लिखा है अदरवाइज क्या डायरेक्टली नहीं कर सकते हम है ना तो ये जो है फाइव के लिए आंसर बेटर रहेगा आपका वन थाउजेंड फोर इनकेस ऑफ इन इफ आई चेंज फाइव बाई से इन दैट केस आंसर विल बी वन डबल जीरो फाइव ओके सो अगर इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं नंबर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सी सेट एग्जाम नंबर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो नंबर्स का एक एक सिंगल सिंगल कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए ओके यस सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टूडे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में okay and the student who are interested in the complete comprehensive course of cset just go in the description link is given in the description check for the complete course okay and you can take the trial for 3 days done okay thank you